वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस। मैं हूं आपके साथ रजत सिटी, जो कि कॉमन सेंस का आज का एपिसोड लेकर आया हूं जम्मू यूनिवर्सिटी से। जी हां, जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स तो काफी हैं, पर कितने स्टूडेंट्स में कॉमन सेंस है ये हम आज जज करेंगे। कुछ स्टूडेंट से बात करके उनसे कॉमन सेंस वाले आसान से सवाल पूछकर। पर प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह हम दिखाएंगे आपको हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिस फैक्ट को देख के आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं जरूर बढ़ेगी, और जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी उस फैक्ट को देखकर तब आप हमें कहीं ना कहीं जरूर याद करेंगे। तो देखिए हमारा आज का ये फैक्ट। दोस्तों, ये तो था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो सिर्फ अपनी सैलरी के 50% पैसे ही लेते थे। उम्मीद करते हैं इस फैक्ट से कहीं ना कहीं आपको नॉलेज जरूर मिली होगी, और आपको अगर नॉलेज मिली होगी हमें कहीं ना कहीं जरूर याद करेंगे जिंदगी में। करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत। जो हमारे आज के प्रोग्राम का पहला सवाल है वो ये है कि माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी। ये कॉमन सेंस वाला सवाल है जो हम जम्मू यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट से पूछेंगे। तो आइए चलते हैं कुछ स्टूडेंट्स के पास और देखते हैं कितनी कॉमन सेंस है उनमें। हम जम्मू यूनिवर्सिटी में लोगों की कॉमन सेंस को चेक कर रहे हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दिया। नितिश पंगोत्रा। कॉमन सेंस है आप में? शायद। मतलब क्या, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने में? ना। क्यों? जरूरी नहीं है कि होना चाहिए। अच्छा, कॉमन सेंस होनी जरूरी नहीं है? हाँ। ये किसने बताया आपको कि जरूरी नहीं है? किसी ने ये भी तो नहीं बताया कि होनी चाहिए। वो तो होता ही है ना, सब में तो होती है कॉमन सेंस। होती है ना, बताया तो नहीं है ना किसी ने। अच्छा, चलिए आप में है या नहीं है? पता नहीं है, जो कुछ चीजों में होती है कुछ में नहीं होती। नाम बता दे मैम अपना। चाहू। कॉमन सेंस आपने? थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत है। बाकी कहाँ गई? है, बाकी पढ़ाई में लगती है। पढ़ाई में लगती है कॉमन सेंस? हाँ। अभी कितनी है? वो तो आप पूछोगे तो पता चलेगा। नाम बता दे अपना। अभिनव। कहाँ के रहने वाले? जम्मू। कॉमन सेंस आपने? हाँ। किसने बताया? किसने नहीं बताया, ऐसा लगता है। अपने में कॉन्फिडेंस है कि है मेरे में? हाँ, थोड़ी तो है। थोड़ी है? थोड़ी। हाँ। कितनी थोड़ी? मेरा क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया तो है, नहीं आता तो कम है, अभी लैग कर रही है। नाम मेरा नाम ही नहीं है, क्या नाम, क्या बताना है? नाम ही नहीं है मेरा यार, प्लीज यार, नाम नहीं आ रहा। वैसे नाम बता देना सर, आसान से हमारे सर। कॉमन सेंस आप में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? नहीं है तो इसमें क्या, इसमें कोई कहीं गई हुई है, मतलब आने वाली है क्या यार? व्हाट इज दिस यार? मतलब बताए ना कि कहाँ गई है, कहाँ से आ रही है? यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट से। चलिए, राहुल शर्मा जी हमारी बातों से डर रहे हैं, हमारे सवालों से डर रहे हैं। बात करते कुछ और लोगों से जो डरे ना। नाम बता दे अपना। मांडवी। आगे रहने वाले? गांधीनगर। कॉमन सेंस है आप में? हाँ जी। कितनी? जितनी होनी चाहिए। होनी कितनी चाहिए? जितनी होनी चाहिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, उतनी है आप में। मैं आपसे सवाल पूछूंगा एक कॉमन सेंस वाला, आप गलत नहीं बोल सकते मतलब। ओके। चलिए बताइए मैम, ट्राई करते हैं। नोबडी इज परफेक्ट, गलती हो सकती है। जी बताइए मैम, माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? ये कॉमन सेंस का नहीं है, ये तो जनरल नॉलेज है। कॉमन सेंस है मैम, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। पता नहीं, कोई आईडिया नहीं? नो आईडिया। फिर भी कुछ बता दो, क्या कौन सी हो सकती है? आप बता दो। नाम, नाम अपना बता दे। मेरा नाम जी अला। अच्छा, कॉमन सेंस है आप में? मज़ा? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। वो क्या होगी? कॉमन सेंस मतलब सोचने समझने की। आपसे हम एक सवाल पूछेंगे आसान सा, थोड़ा दिमाग लगाने वाला, उसका जवाब दे देंगे। बोलिए सर, कुछ तो बोलो। क्या बोलना? जवाब दोगे या नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? देंगे ना। चलिए एक सवाल पूछते हैं हम आपसे, बताएं सर, माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। नाम बताएं अपना। विक्रम। कहाँ के रहने वाले? पंचतीर्थी। पंचतीर्थी के रहने वाले। कॉमन सेंस है आप में? ऑब्वियसली है। ऑब्वियसली है, आपको कैसे पता? है तभी तो बात कर रहे हैं आपसे। अच्छा, अगर कॉमन सेंस नहीं हो तो बात ही नहीं होती। कॉमन सेंस हर इंसान बर्थ के साथ लाता है। आप ला चुके हैं, ये नेचुरली आती है। डेली में आ चुके हैं। मेरा नाम अश्विन है भैया। कॉमन सेंस आप में? इतनी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कॉमन सेंस भी बहुत ख़राब होती है। खराब कैसे होती है ज़्यादा कॉमन सेंस? क्योंकि कभी कभी बंदा कुछ और ही सेंस कर लेता है ना, जैसे किसी अलग सी सिचुएशन पे कुछ अलग ही सेंस कर लेता है। पहले बंदे आप मिले हो जिन्होंने बोला कि ज़्यादा कॉमन सेंस होना हानिकारक होता है। जो कुछ
excess of everything is bad. ये तो आपको पता ही होगा ना। Excess of common sense is also bad. Yes. अब नाम बता दे पहले। मेरा नाम बताया ना मैंने भैया अश्विन है। Common sense है आप में? Yes sir. कितनी? थोड़ी-थोड़ी है। Yes. थोड़ी क्यों है? बाकी कहाँ गई? बाकी सर गुम हो गई है। गुम कहाँ पे हो गई? सर ऐसे आपको देख के गुम हो गई है। अच्छा मेरे को देख के कॉमन सेंस गुम भी हो जाता है। चलिए एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस। हाँ जी सर भाई बताएं सर माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया की सबसे बड़ी चोटी कौन सी थी? सबसे बड़ी चोटी यार ये तो पता नहीं। माउंट एवरेस्ट सुना हुआ है ना? माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है ना? माउंट एवरेस्ट थी शायद से। हैं? पता नहीं फिर भी सोचने वाली बात है। एवरेस्ट की चोटी होगी फिर। सर एक सेकेंड हम एक हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कॉमन सेंस। नाम बता दें अपना। सर मेरा नाम बलवंत है। कॉमन सेंस है आप में? जी हाँ। कितनी? सर काफ़ी है टाइम दबाने के लिए। टाइम दबाने के लिए। चलिए एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा आपसे। जी बताएं सर माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट से पहले ऊंची चोटी? सर जो माउंट एवरेस्ट से ऊंची थी वही थी। कौन सी थी वही तो हम पूछ रहे हैं सर। कंचनजुंगा। कंचनजुंगा कौन सी चोटी है? सर जापान में है वहाँ पे वो थी तब। हाँ जी सर। उसके अलावा कोई नहीं? नहीं सर कंचनजुंगा ही सबसे ऊंची चोटी है सर। ये इनके हिसाब से कंचनजुंगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले। चलते हैं किसी और के पास। एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला। बताओ सर माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? सोचो थोड़ा दिमाग वाला सवाल है कॉमन सेंस वाला सवाल है। जो सेकंड जो उससे पहले जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कवर हुई होगी वही होगी। कौन सी है वो? नाम लो लो। नहीं तो जनरल नॉलेज हो गया। तो कॉमन जनरल नॉलेज नहीं है सर कॉमन सेंस है। K2 पक्की बात? आपके हिसाब से सर K2 ही है। K2 ही है? हाँ है K2 है। उसके अलावा कोई नहीं है? अभी तक तो नहीं है। आपके हिसाब से माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले K2 थी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी? नहीं अभी K2 का भी नहीं पता कब डिस्कवर हुई थी। ऐसे K2 का भी नहीं पता कब डिस्कवर हुई? नहीं पता। फिर मतलब थी कौन सी? ये अब हम बताना चाहते हैं लोगों को तो क्या बताएंगे कौन सी थी? कॉमन सेंस है ये। कॉमन सेंस है सर। जीके नहीं है। लेकिन K2 वो माउंट एवरेस्ट डिस्कवर कैसे होगी? वो तो पहले से ही थी। माउंट एवरेस्ट छोटी नहीं है क्या यार? उसमें डिस्कवरी कैसी यार? वो तो पहले से भी थी। क्या पहले से? मतलब उसकी लॉन्ग अगर वो उसकी लेंथ अगर नापी होगी तो जो उससे पहले जो जो वाली जो होगी वही होगी। और कौन सी होगी? नाम हमने बताना। जनरल नॉलेज का सवाल हुआ ना। नहीं सर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस सोल्यूशन बताओ फिर। सोल्यूशन तो हम आपको बताएंगे। नहीं बताओ फिर। कॉमन सेंस नहीं है अब नहीं है। बताएं सर माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट कैसे? क्योंकि अभी तभी तो किसी को पता नहीं ना था कि कौन सी चोटी है। वही तो पूछ रहे हैं हम कि डिस्कवर होने से पहले कौन सी चोटी थी सबसे ऊंची? उससे पहले कोई भी हो सकती है जिसको लोग कंसीडर करें ऊंची है क्योंकि कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक। फिर भी कौन सी थी? फिर भी अगर देखा जाए रियलिटी में अगर हमने बताना है कि माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले ये सबसे बड़ी चोटी थी कौन सी थी? वो जो लोगों के घर के पास होगी वही कंसीडर करते हैं सबसे ऊंची है। लोगों के घर के पास चोटियाँ होती हैं। चोटी मीन्स पीक। पीक हाँ। कहाँ से होंगी? कोई जो हिल एरियाज में रहते होंगे उनके पास होंगी कहीं अपने घर के पास जिनके कोई रहते हैं जैसे हमारे साइड साइड एरियाज में। चलिए इनका कहना है कि जो लोगों के घर के पास चोटी होगी वही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होगी क्योंकि उस वक्त उनको पता ही नहीं होगा कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। बात करते कुछ और से। माउंट एवरेस्ट था कैसे? उसका पता नहीं था बट था तो वही। ये आपकी फ्रेंड ने बताया अभी आपको। बट आपने पूछा था कि कौन सा था तो हमें नोन में तो नहीं था ना वो पहले। अभी कैसे नोन में आया? किसने डिस्कवर किया उसके बाद आया? किसने किया? मुझे नहीं पता हूँ तो। चलिए कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा। हाँ ओके। बताएं मैम माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? हाँ देयर राइट वही थी। वही थी? हाँ कैसे? डिस्कवर होने से पहले भी तो वही होगी ना। कैसे होगी वही थोड़ा एक्सप्लेन कर दो।
वही तो सबसे ऊंची थी। चाहे डिस्कवर हो चाहे नहीं हो। हाँ। चाहू के। चलिए चाहू जी ने कॉमन सेंस लगा लिया और उनका कहना है कि माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले भी वही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी। सर कॉमन सेंस है आप में? बिल्कुल है सर। कितनी है? आप क्या पूछना चाहते हैं? हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कॉमन सेंस वाला सर, जिससे हम बताएंगे कि आप में कॉमन सेंस है या नहीं है। आप सवाल पूछिए पहले। सर हमारा सवाल ये है कि माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट ही थी। कैसे? बिल्कुल सेम आपने पहले पूछा कौन सी थी, तो माउंट एवरेस्ट ही थी क्योंकि उसको ही डिस्कवर किया है। ये आपने कॉमन सेंस लगाया। बिल्कुल। नाम क्या था सर आपका? बाबा जीत। चलिए बाबा जीत जी ने कॉमन सेंस लगा दी और इनका कहना है कि माउंट एवरेस्ट ही वो चोटी थी, चाहे डिस्कवर होने से पहले थी पर वो ही चोटी थी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी। बताया सर माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले जी दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी यार? वो तो वही थी। कैसे? कैसे? जैसे आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि डिस्कवर होने से पहले, बिकॉज इट्स अ फैक्ट और फैक्ट्स नेवर चेंज। वही थी। वही थी। नाम बताएं। जाहिद फजल खान। चलिए जाहिद जी ने कॉमन सेंस लगा ली है और इनका कहना है कि माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले ही माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी थी और साथ ही ये जीत चुके हैं रेमन सर्किस की तरफ से एक टिकट। बताएं सर माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? वही थी। कैसे? क्योंकि जब डिस्कवर नहीं हुई क्या कोई नहीं आती। अपना नाम बता दो। बता तो दिया। विक्रम। चलिए विक्रम जी ने कॉमन सेंस लगा लिया और उनका कहना है कि माउंट एवरेस्ट ही वो चोटी थी। दोस्तों आप देख रहे हैं कॉमन सेंस विच इज सपोर्टेड बाय रेमन सर्कस। कार्यक्रम के पहले भाग में हमने लोगों से एक आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल पूछा था कि माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया की सबसे बड़ी चोटी कौन सी थी। ये कॉमन सेंस वाला सवाल था जिसका जवाब जो था काफी सारे लोगों ने सही भी दिया और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हमारे सवाल को सुन नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे और उनके जवाब जो थे वो गलत थे। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ये है कि माउंट एवरेस्ट चाहे डिस्कवर होता चाहे नहीं होता पर माउंट एवरेस्ट ही दुनिया की सबसे बड़ी चोटी होती तब भी। चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हम एक और आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल लोगों से पूछेंगे कि अगर एक प्लेन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्रैश होता है तो जो लोग प्लेन में बचेंगे उनको कहां दफनाया जाएगा, इंडिया में या पाकिस्तान में। ये कॉमन सेंस वाला सवाल है जो हम यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट से पूछेंगे। तो आइए चलते हैं कुछ स्टूडेंट्स के पास और देखते हैं उनमें कितनी कॉमन सेंस है। मैम हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कॉमन सेंस, इसमें हम कुछ कॉमन सेंस वाले सवाल पूछते हैं लोगों से। नाम बता दें अपना। आप बताए ना मैम। कोई नहीं यार। आप डर रहे हैं? बोलो जी। हाँ। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे एक हवाई जहाज क्रैश होता है, ठीक है, तो जो लोग बचेंगे उनको इंडिया में दफनाया जाएगा या पाकिस्तान में दफनाया जाएगा? सर जहाँ के वो नागरिक हैं अगर उनकी गवर्नमेंट चाहती है वापस लेना तो वहाँ पर ले जा सकते हैं। अगर वो क्रैश होगा तो वैसे भी उनकी बॉडी जल गई होगी तो दफनाना कहाँ से है उनको? वही तो पूछ रहा हूँ ना कि अगर क्रैश होगा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे बीचों बीच में क्रैश हुआ है, अगर उनकी बॉडी जल गई है तो वो कैसे दफनाया जा सकता है? ये कॉमन बात है। लेकिन अगर आप बोलते हैं दफनाना है उसको तो अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है उनके नागरिकों को वापस ले जाना तो वो ले जा सकते हैं उनके डेड बॉडीज की जो फाइजल फ्यूल उनको मिलेंगे कुछ रिमेन्स। चलिए बताएं मैम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे एक प्लेन क्रैश होता है तो जो लोग बचेंगे उनको इंडिया में दफनाएंगे या पाकिस्तान में? इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे प्लेन क्रैश होता है उनको इंडिया में दफनाएंगे या पाकिस्तान में? बॉर्डर पे। बॉर्डर पे क्यों दफनाएंगे? उनकी हाँ मे बी उनकी वो नहीं है कुछ सिटीजनशिप थोड़ी है, जो जिसकी डेथ हुई है उसको बॉर्डर पे ही करेंगे। तो आपके हिसाब से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे अगर एक प्लेन क्रैश होता है तो जो लोग बचेंगे उनको बॉर्डर पे ही दफना देंगे? Most probably. आपके हिसाब से मैम? वहीं पे बॉर्डर पे। चलिए इनके हिसाब से
जो लोग बचेंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, अगर प्लेन क्रैश होता तो उनको बॉर्डर पे ही दफना देंगे। बात करते हैं कुछ और लोगों से। नाम बता दें अपना। पिंकी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, इंडस्ट्री के। कॉमन सेंस है वैसे आप में? नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? वो आपको दे रखी है सारी। मुझे दे के रखी है, मेरे में तो बहुत है वैसे। मेरे में नहीं है ना, इसलिए। कॉमन सेंस वाला एक सवाल पूछूं मैं आपसे? पूछ लीजिए। मैं बताए, अगर एक प्लेन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्रैश होता है तो जो लोग बचेंगे उनको इंडिया में दफनाएंगे या पाकिस्तान में दफनाएंगे? अब वो लोग कौन है, क्रैश पर प्लेन कहाँ गए? प्लेन जहाँ मर्जी गए, क्रैश वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हो रहा है। I don't know, क्रैश हुआ तो उसमें दफनाने वाला कुछ रहता क्या? अगर एक प्लेन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्रैश, बर्न हो जाती है बॉडीज, तो उसको क्या दफनाना है? नहीं, अगर जो लोग बच जाएंगे उनको कहाँ दफनाएंगे? बॉर्डर पे ही दफना दे। अब दफनाएंगे जलाएंगे वो डिपेंड करता है ना कि किस पे, रिलीजन पे डिपेंड करता है। हां, इनके हिसाब से बॉर्डर पे ही उन लोगों को दफना देंगे जो लोग बच जाएंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में जो क्रैश होगा। बताएं सर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे अगर एक प्लेन क्रैश होता है तो जो लोग बचेंगे उनको कहाँ पे दफनाएंगे, इंडिया में या पाकिस्तान में? कहाँ पे होता है? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर एक प्लेन क्रैश होता है तो जो लोग बचेंगे उनको इंडिया में दफनाएंगे या पाकिस्तान में? वो तो जो जहाँ के होगा तो वहीं पे दफनाएंगे। जहाँ का रहने वाला होगा उसको वहीं पे दफनाएंगे, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है। चलिए बताइए, एक प्लेन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्रैश होता है तो जो लोग बचेंगे उनको इंडिया में दफनाएंगे या पाकिस्तान में दफनाएंगे? क्रैश होता है तो लोग कैसे बचेंगे? बचेंगे ही नहीं। बचेंगे ही नहीं तो कहाँ दफनाएंगे उनको, इंडिया में? अगर क्रैश होगा तो वो कैसे, उनकी बॉडीज कैसे मिलेंगी? तो बोल रहे हैं ना कि अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे एक प्लेन क्रैश होता है तो जो लोग बचेंगे उनको इंडिया में दफनाएंगे या पाकिस्तान में दफनाएंगे? उनकी डेड बॉडीज। प्लेन को कहाँ दफनाएंगे, लोगों को कहाँ दफनाएंगे? लोगों को कहाँ दफनाएंगे? लोगों की बॉडीज तो मुझे लगता है जो लोग बच जाएंगे, मुझे तो लगता है अगर प्लेन क्रैश हो गया तो लोगों की बॉडीज तो ऐश में चेंज हो गई होंगी, तो वो कैसे दफनाने? आपको ये लगता है? हाँ जी, आपकी कॉमन सेंस कह रही है। हाँ, कॉमन सेंस वाला एक सवाल पूछे आपसे। जी भैया, अगर मैं बोलूँ नहीं तो भी हम पूछेंगे फिर तो सही है तो पूछ लीजिए। चलिए सर, एक सवाल पूछेंगे आपसे। बताएं सर, अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे एक प्लेन क्रैश होता है तो जो लोग बचेंगे उनको इंडिया में दफनाएंगे या पाकिस्तान में? भैया, जो पाकिस्तान में गिरेंगे, जो बचे हैं, जो बचे हैं, जो बचे हैं आप, उनको तो पाकिस्तान वाले छोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो लोग तो बच गए ना तो वो तो ऐसे दफन हो जाएंगे। तो जो इधर गिरेंगे उनका सोचना पड़ेगा कुछ। क्या सोचना पड़ेगा? बॉर्डर पे गिर रहे हैं, बॉर्डर पे, मेन बॉर्डर। हाँ, तो अब क्या पता कहाँ कहाँ गिर रहे हैं। बॉर्डर पे, मेन बॉर्डर पे गिर रहे हैं तो कहाँ पे दफनाएंगे उनको जो लोग बच जाते हैं? जहाँ जहाँ पे गिर रहे हैं ना वहीं पे दफना दो यार। एक प्लेन अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्रैश होता है तो जो लोग बचेंगे उनको कहाँ पे दफनाया जाएगा, इंडिया में या पाकिस्तान में? अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्रैश होता तो उनको बॉर्डर पे ही दफना देंगे, ना यहाँ ना वहाँ। हाँ, क्यों, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं दफनाएंगे? जो शमशान घाट उनके पास होगा वहीं पे दफनाएंगे। शमशान घाट में कब दफनाते हुए देखा आपने? नहीं, मतलब जहाँ पे दफनाते होंगे वहीं पे दफनाएंगे। की बात है। जी साहब, पक्की बात। ये कॉमन सेंस है आपकी? जी सर। चलिए, बिल्कुल। इनकी कॉमन सेंस कहती है कि जो शमशान घाट पास होगा वहाँ पे उनको दफना देंगे। एक प्लेन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्रैश होता है तो जो लोग बचेंगे उनको इंडिया में दफनाएंगे या पाकिस्तान में? उनको आधा आधा कर दो। आधा आधा कैसे कर दो? आधा आधा, क्योंकि बॉर्डर पे है। मतलब काट देंगे उनको? नहीं, काट नहीं दो। कितने लोग हैं पहले मैं आपसे? लोग छोड़ो ना, बताओ जो लोग बचेंगे उनको कहाँ दफनाएंगे हम? जो बचेंगे, बचे वालों को दफनाने की जरूरत नहीं है सबसे पहले, ये तो बात है। ठीक है, जो मर गए हैं तो फिर उनको दफना दो। जो लोग बचे उनको नहीं दफनाएंगे? नहीं नहीं, उनको जिंदा छोड़ दो। जिंदा छोड़ दो। नाम बताया मैं अपना। मृदु। कहाँ के रहने वाले? मैं जम्मू। कॉमन सेंस है आप में? ये बड़ा सिली क्वेश्चन था, सब में होती है। होती सब में ना, पर यूज नहीं ना करते सब। डिपेंड करता है, मतलब सिचुएशन भी होते हैं, कई बार मतलब क्लिक कर जाता है, कई बार नहीं करता। दैट डजंट मीन कि कॉमन सेंस है ही नहीं। आप में है या नहीं है? मेरे में है, मतलब लाइक जितनी सब में होती है उतनी तो है ही। उतनी सब, उतनी है। चलिए, कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा आपसे। बताए मैम, अगर एक प्लेन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्रैश होता है तो जो लोग बचेंगे उनको कहाँ पे दफनाएंगे, इंडिया में या पाकिस्तान में? जो लोग बचेंगे उनको, जो लोग बचेंगे उनको दफनाएंगे क्यों? उनको हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे ना, ऑब्वियसली। उनको क्यों दफनाएंगे जो बचेंगे?
दोस्तों आप देख रहे हैं कॉमन सेंस विच इज सपोर्टेड बाय रेमन सर्कस। कार्यक्रम के दूसरे भाग में भी हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कॉमन सेंस वाला कि अगर एक प्लेन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्रैश होता है तो उसमें जो बचेंगे लोग उनको कहां पे दफनाया जाएगा। ये कॉमन सेंस वाला सवाल था जिसके जवाब जो थे वो कुछ लोगों ने सही दिए और कुछ लोग जो थे वो इस सवाल का जवाब हमें सही नहीं दे पाए। इस सवाल का जो सही जवाब था वो ये था कि अगर लोग बच जाते हैं तो उनको कभी भी दफनाया नहीं जाता, उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है या उनके घर पे छोड़ा जाता है, कभी भी उनको दफनाया नहीं जाता लोगों को। पर लोग जो है वो कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हमारे सवाल को शायद समझ नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे, इसलिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे थे। चलते कार्यक्रम के तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में हम लोगों से एक टंग ट्विस्टर पूछेंगे, टंग ट्विस्टर लोगों को बोलने के लिए बोलेंगे। तो आज का जो हमारा टंग ट्विस्टर है वो है गुड ब्लड बैड ब्लड। गुड ब्लड बैड ब्लड हम लोगों को बोलेंगे 5 बार बोलने के लिए। तो आइए चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं कौन है वो लोग जो हमारे टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं। राधिका, एक टंग ट्विस्टर बोलना आपने। हाँ जी बोलो। आपने बोलना है गुड ब्लड बैड ब्लड 5 बार तेज। गुड ब्लड गुड क्या गुड गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड ब्लड गलत हो गया। ट्राई कीजिए, ट्राई करने से। हाँ, बट 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 गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड ब्लड बैड ब्लड गलत हो गया। नाम रहे सर तरुण। अच्छा कॉमन सेंस है आपने। याशो सर एक टंग ट्विस्टर बोलेंगे हम, आपने वो बोलना है। ओके आई ट्राई। आपने बोला सर गुड ब्लड बैड ब्लड 5 बार तेज। ओके गुड ब्लड बैड ब्लड 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 बोला हमने गुड ब्लड बैड ब्लड 5 बार तेज। गुड ब्लड ये टफ है सर। नहीं टफ नहीं है, बहुत आसान है। गुड ब्लड एंड बैड ब्लड गुड ब्लड ब्लड ट्राई करो हो जाएगा। गुड ब्लड बैड गलत है। सर एक टंग ट्विस्टर बोलना हमने, बोल पाएंगे। हाँ जी सर। हाँ जी बोलो। ने बोलना गुड ब्लड बैड ब्लड 5 बार। गुड ब्लड बैड ब्लड 5 बार सर ट्राई कर सकता हूँ। ट्राई नहीं करना ही है आपने। ठीक है सर। गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड बैड ब्लड एक टंग ट्विस्टर बोलना। कच्चा पापड़ पका। मैं पूछूंगा आपसे सर टंग ट्विस्टर पूछिए। सर आपने बोलना है गुड ब्लड बैड ब्लड 5 बार तेज। गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड बैड ब्लड गलत हो गया। गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड गलत हो गया। गुड ब्लड बैड ब्लड ये आने बोल जाएगा भाई। एक बार ट्राई लास्ट। गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड गलत हो। ब्लैक बैड सॉरी। आप बोलेंगे। ट्राई करती हूँ। Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. गलत हो गया। Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood. गलत बोल रहे हो बड़ा ज़्यादा। ओ सर क्या बात है। Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. यार सर बहुत टफ है। और कुछ? Try कर लो एक बार। Last try कर लो और पूरे जोश में बोलना। Good blood, bad. Good blood, bad. Good blood, bad. Blood, bad. नहीं हो पा रहा। चलिए इनसे नहीं हो पा रहा, किसी और के पास चलते हैं जो टंग ट्विस्टर बोल पाए। गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड बैड बैड ब्लड गलत हो गया। गुड ब्लड बैड ब्लड गुड ब्लड बैड बैड ब्लड गुड ब्लड गलत हो रहा सर। Good blood, bad blood. 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 गलत हो गया। लास्ट वाला गलत बोला। गलत हुआ यार। हो गया लास्ट वाला गलत। Good. थोड़े जोश में आओ ना, जोश में सही बोल रहे हो आप। Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. इतना भी नहीं। मैं नहीं बोलूँगा यार। बोलो यार। क्यों नहीं बोलोगे? ऐसे ही। Good blood, bad blood. 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 बोल दिया। Good blood, bad blood. 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 Yeah. बोल दिया। Yeah. आप जीत गए। I think so. Good blood, bad blood. 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 बोल दिया। जी सर बोल दिया। चलिए इन्होंने हमारा टाइम किस्ट बोल दिया।
दोस्तों आप देख रहे हैं कॉमन सेंस विच इज सपोर्टेड बाय रेमन सर्कस। आज हम आए थे जम्मू यूनिवर्सिटी में लोगों की कॉमन सेंस को चेक करने के लिए और लोगों से हमने काफी सारे सवाल पूछे कॉमन सेंस वाले, और सवाल पूछ के हम इतने ज्यादा थक चुके थे कि हमने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, और इसलिए हम इस वक्त यहाँ पर बैठकर रेस्ट कर रहे थे। और टंग ट्विस्टर की अगर बात करें, हम टंग ट्विस्टर लोगों से इसलिए पूछते हैं ताकि उनकी फंबलिंग की प्रॉब्लम दूर हो सके और वो आसानी से बात कर पाएं, बात करते वक्त वो कभी भी फंबल ना करे। आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं आपको एंटरटेनिंग लगा होगा, आपका एंटरटेनमेंट हुआ होगा आज के प्रोग्राम से, और शायद आपने कॉमन सेंस यूज करनी शुरू कर दी हो हमारे आज के प्रोग्राम के बाद। इस प्रोग्राम के रिलेटेड अगर सजेशन देना चाहते हैं या फिर लोकेशंस बताना चाहते हैं जहां पर आप चाहते हैं हम ये कॉमन सेंस का प्रोग्राम आकर करें, तो हमें फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia और व्हाट्सएप नंबर है 8716964444। अगले हफ्ते बुधवार को शाम को 7 बजे फिर मुलाकात होगी कॉमन सेंस के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि रजत सिटी को और कैमरामैन विजय कुमार को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।